मैम, आज आपके द्वारा जो है एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? सबसे पहले सबको नमस्कार, मैं मनोरमा कुमार सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर अपने प्रशिक्षण केंद्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि यहाँ जो हमारी बच्चियाँ करीब 100 के करीब बच्चियाँ यहाँ प्रशिक्षण लेने आती हैं, उनका निःशुल्क चेकअप कराना था, ताकि और कुछ पोषण पे भी कार्य हुआ है ताकि ये लोग स्वस्थ रहें, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ये बच्चियाँ जो हैं हमारे यहाँ आती हैं ये स्वस्थ रहें। इसके अलावा भी बाहर से भी लोग आए, करीब 100 लोगों का यहाँ चेकअप हुआ और सब लोग बहुत अच्छे से चेकअप हो गया। डॉक्टर जया पांडे जी हैं, उनके थ्रू ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। नमस्कार, मैं एक तौर आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स, हम सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के संस्था में, जहां आज उनके प्रांगण में एक स्वास्थ्य शिविर लगा। स्वास्थ्य शिविर जो लगा हुआ है गौरव होम्योपैथिक क्लब की तरफ से लगा हुआ है, जहां जया जी आज आई हैं, डॉक्टर जया पांडे आज हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कैसा रहा मैम आपका कार्यक्रम आज का, और क्या कहना चाहेंगी जो सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से जो निःशुल्क जो आज शिविर लगा हुआ है और आपका आना रहा। यहाँ आए हुए सभी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर जया पांडे, ये सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की अध्यक्ष जो हैं मनोरमा कुमार जी, वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिन्होंने आज एक बहुत ही अच्छा काम करते हुए यहाँ निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया है, और इसमें मैं इनके सहयोग के लिए आई हुई हूँ। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर, बहुत सारे लोगों में वीकनेस है, जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, नंबनेस काफ़ी है, तो अच्छा लग रहा है देख करके। इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, इनके संस्था के जो भी मेंबर हैं काफ़ी हर्षोल्लास से सारे काम को अंजाम देते हैं। जया जी, काफ़ी लंबे समय से आपका स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, अलग अलग लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र में आप लगाती हैं, अब तक के अगर मैं काउंट करवाऊँ कितने निःशुल्क जाँच शिविर आपके द्वारा लग चुके हैं? अभी तक तो मैं बताऊँ तो मैं हमेशा एरिया चेंज करके कैंप लगाती रहती हूँ। अभी लखनऊ में थोड़े दिन तक रुका हुआ था, वेदर के अकॉर्डिंग मैंने होल्ड किया हुआ था, फिर मैं कंटिन्यू कर दी हूँ, लगभग 40-50 तो हो ही चुके होंगे। हाँ जी, निःशुल्क दवाइयाँ देती हैं? दवाइयाँ निःशुल्क दवाइयाँ भी हैं, चेकअप पूरा फ्री है, और उसके बाद भी अगर कोई हमारे यहाँ आता है जो नीडी है उसकी मैं निःशुल्क मेडिसिन के लिए प्रिपेयर हूँ। आपका मैम कहाँ पर क्लिनिक है हमारे दर्शकों के लिए? हमारी क्लिनिक ये रजनी खान एरिया में लगता है, नियर अवध पब्लिक स्कूल के सामने है, 2/94 हमारे क्लिनिक का एड्रेस है, गौरव होम्यो हेल्थ केयर सेंटर। तो सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं मनोरमा जी से क्या कहना चाहिए। मैं आज का निःशुल्क जो शिविर लगाया, कैसे आपने सोचा, कैसे प्लान बना? हर एक कार्य तो आप आगे से करते हैं, ये कार्यक्रम के लिए कैसे सोचा, कैसे आप लोगों ने प्लान बनाया कि, और सबसे पहले ये कैसे सोचा कि अपने प्रांगण में आज इस कार्यक्रम का आयोजन करना? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, और हमारे आज यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, हमारे ये संस्था है हमारी, और इसमें बच्चे जो है प्रशिक्षण लेते हैं, ये मेरा कार्यालय भी है, तो ये सोचा कि हमारे काफ़ी बच्चे हैं, इन सब लोगों का इन लोगों के लिए एक शिविर लगाया जाए, ताकि इनकी जांचें और इन स्वास्थ्य, इस समय आप समझ रहे हैं ना कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, सबसे पहले स्वास्थ्य होता है, बाद में सब चीज़ें होती हैं, तो यही सोचकर मैंने बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पर शिविर लगाया है, जिसमें हमारी डॉक्टर जया पांडे जी यहाँ पर आई हैं, साथ में पैथोलॉजी के हमारे दो डॉक्टर्स हैं, क्या नाम है उनका, आयुष्मान वर्मा जी, आदर्श वर्मा जी, और जितेंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने यहाँ पर सब लोगों की ब्लड की जांचें की हैं, थायराइड की जांच हुई है, और ब्लड टेस्ट हुए हैं, शुगर की, कैलेस्ट्रोल की सारी जांचें हुई हैं, और यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर इसीलिए लगाया गया। और भी बाहर के भी लोग आए हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, सखियाँ हैं, और जो है हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आए हुए हैं, और तो कितने मरीजों का आना हो गया है, जिनकी जाँच हो चुकी है? जी, लगभग 60-70 लोग आ चुके हैं जी, और अभी आते ही जा रहे हैं सब लोग। क्या थी मैम इसकी, कब तक चली? हाँ, टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे तक इसकी टाइमिंग थी, 1 तो बज गया है, अभी शिविर चल ही रहा है हमारा, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहे, और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है सबका, तो इस स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागरूक रहें, और यहाँ पर जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया, ताकि लोग अवेयर रहें इसके लिए। लोग भी आए हुए हैं सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, मैम क्या कहना चाहेंगे संस्था की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ? संस्था की तरफ से
संस्था की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगा है, इसमें लोगों को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित फ़ायदा हो, वो चेकअप जो कराने आते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ हो, और कई लोग हैं जो पैसे की वजह से चेकअप नहीं करा पाते कि इतने महंगे महंगे रिपोर्ट का है, तो यहाँ लोग आते हैं, उनको सुविधा मिलती है कि थोड़ा सा फ्री में हो जा रहा है तो वो लोग आ जाते हैं। थैंक यू मैम। बबीता प्रजापति, मैं यही कहना चाहूँगी जो कैंप लगा है इसमें बच्चों को सभी जानकारियाँ मिलेंगी और जो उन लोगों को रोग है वो पता लगेगा। इसे निःशुल्क जो लगा हुआ है उसे बच्चे हमारे जो चेकअप करा लेंगे उनका भी फ़ायदा होगा। इसीलिए और लोग हैं स्वास्थ्य शिविर तो आयोजन है एक माध्यम इस बात का कि कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य शिविर जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो बहुत महंगे महंगे इलाज जो आप नहीं करा सकते हो वो इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आप करा जाए। मैम खड़ी हो जाइए, क्या कहना चाहेंगी? जो वैसे तो जितने लोग भी हमारे लोग आए हैं उनको हम सब अभिनंदन करते हैं कि आए हैं, हमारे कैंप लगा हुआ है। और सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन हमेशा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, तो आज हमने सोचा क्यों ना महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं। हमें यह देखकर बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें जो जेंट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हमको अच्छा लगा कि देख रहे हैं कि सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं, सब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, अपनी जाँचें करा रहे हैं। अच्छा, आप नाम नोट कर रही थी, लगभग कितने लोगों की जाँच हो चुकी है? इस समय 20 लोग की लगभग जांच हो चुकी है और बहुत लोगों की जांच होना बाकी है। आप भी इसका हिस्सा बने? जी, हम भी बने, अभी टेस्ट कराया है, मेरा नॉर्मल है, बीपी सब, तो बहुत खुशी हुई हमको ये जान के। थैंक यू। सीमा जी क्या कहना है? जी आज हमारी संस्था जो है सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन जो है हमारी आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है इसमें, और इसके तहत हम लोगों जो है सभी लोगों का जो भी हम हमारे उसमें हैं वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं सारी चीज़ों का, जो भी कुछ चीज़ें हमारी फ्री हैं, और उसमें जो है स्वास्थ्य शिविर में हम थायराइड है, शुगर है और बीपी, इन सब चीज़ों की जाँच कर रहे हैं। आप जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग आते जा रहे हैं, टेस्ट करवाते जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन सभी तरह के इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, तो उसी के तहत आज हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। तो आप लोग जी और लोगों जानते हैं क्या कहना है उनका, क्या कहना चाहेंगे हम? आज सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे जो संस्था की बच्चियाँ भी हैं, बाहर के लोग हैं, महिलाएँ हैं, जेंट्स लोग हैं, सभी यहाँ पर अपनी अपनी जाँचें करा रहे हैं, और कोई अपना ब्लड टेस्ट करा रहा है, कोई हीमोग्लोबिन करा रहा है। मैंने भी अपनी जांच कराई है क्योंकि मुझे भी सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है इस समय। तो आपने जांच कराई? जी सबसे पहले जांच आपने कराई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमने भी अपनी जांच कराई है, थायराइड का मैंने टेस्ट कराया है और अपना चेकअप भी कराया है, तो बहुत अच्छा ये पहल है सखी स्माइल इंडिया की तरफ से, और डॉक्टर जया जो हैं, मिसेज मनोरमा कुमार, बहुत अच्छा लग रहा है। और निशुल्क दवाइयों कहाँ देख रहे हैं, वितरण भी किया जा रहा है, जो लोग नहीं ले सकते उनको, बहुत अच्छा है। सही कहा है कि कहीं ना कहीं मनोरमा जी और जया जी का बहुत खूबसूरत ये कदम है, जहाँ लोगों को सब जांच कितने लोगों की हुई है? सर करीब 20-25 लोगों की हो गई है। इसलिए लोग आ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? मतलब थायराइड वाले थायराइड वाले हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, और RBS ब्लड शुगर रैंडम, ये ज़्यादा पेशेंट हैं। महिलाओं सबकी संख्या पूछना चाहूँगी, इस समय देखिए किस तरह से ब्लड निकाला जा रहा है, मैं देखिए और किस तरह से जांच का वो होगा, सर क्या फील? बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि मैं पहली बार रिटर्न कर रहा हूँ इसको, तो नहीं जाँच पहले भी करा चुके हैं लेकिन इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बहुत ही फायदेमंद समाज के लिए। 1 ml सर। अच्छा, किस चीज़ की जांच के लिए? ये ब्लड ग्रुप रैंडम होगा इनका। जी ब्लड ग्रुप नहीं, शुगर की रैंडम जांच होगी। जी अब तक कितने लोगों ने सर जांच कराई है? करीब 11-12 लोगों ने अभी तक टेस्ट दिए, सैंपल दिए। तो क्या जानना चाहते हैं सर? ब्लड ग्रुप है, शुगर है, और ये थायराइड के लोगों ने ज़्यादा जाँच। सर अल्टीमेट डायग्नोस्टिक रतनखंड। हाँ पर ये रतनखंड में। अच्छा, इनकी रिपोर्ट आप किस तरह से? हम लोग दोनों तरह से देना चाहते हैं, जो जैसा चाहता है, ऑनलाइन चाहता है ऑनलाइन भी देंगे, और हार्ड कॉपी चाहता है ऑनलाइन हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करेंगे। और लोग भी हैं जो जिन्होंने दवाई मिली और साथ में उनको केला मिला है, इनसे क्या नाम है? सरिता। क्या जाँच कराई आपने,
किस तरह की जांच थी और कैसा लगा यहाँ पर, क्या क्वेश्चन लिया है? थायराइड की जांच कराई है जी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपने क्या? हमने ब्लड ग्रुप जांच करवाई है जो कि हमें जानना था कि ए पॉजिटिव है या कुछ भी, सो वो बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और हमारी दवा हमें यहाँ मिली है। थैंक यू। क्या नाम? हम शुगर की जांच कराए हैं। निःशुल्क? हाँ दवा है ये। दवाई खाइए प्लस केला जी। कहाँ से आई? बरिंगवा से। आप कहाँ से आई? सेक्टर एच से। तो सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। यहाँ हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं और मैम भी काफ़ी अच्छी हैं और हमें यहाँ पे हर चीज़ निःशुल्क सिखाई भी जाती है, तो इसलिए मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। थैंक। क्या नाम? अंशिका। क्या कहना चाहूँ? कुछ दवा? हाँ इसकी दवा ली? मेरे चक्कर आता है इसकी दवा ली है। तो और चक्कर आता है इसलिए केला? हाँ। कहाँ से आई? मैं भी सेक्टर एच। तो सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन में एक खास मेहमान हमारे साथ है, निधि जी। निधि कैसा लगा यहाँ आकर, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप भी समाज सेविका हैं, समाज के लिए आपने बहुत काम किया है। आज यहाँ सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है प्रांगण में, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? मैं आलमनगर समाज सेवा समिति अध्यक्ष निधि श्रीवास्तव, मुझे इन्विटेशन मिला कि यहाँ कैंप लगा है, तो मुझे ये मेरी फ्रेंड है तो इन्होंने कहा मैम मुझे भी जाना है, हमने कहा चलिए मैं भी जा रही हूँ और आप भी चलिए। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जो महिला जो सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है मनोरमा जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्य कर रही हैं ये बहुत ही सराहनीय है, बच्चे शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए और क्या कहते हैं जो भी स्वास्थ्य को लेके जो चल रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य है। मुझे भी बस इसी निधि के द्वारा हमें पता चला फाउंडेशन ये लगे, सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन लगा है तो इसी द्वारा पता चला मुझे, तो मैंने कहा मैं भी अपनी जाँचें जाके करवाऊँ, जाके देखूँ कैसा लगता है। कराई? हाँ मैंने अभी कराया अपना। हाँ अच्छा लगा। ये वो लोग थे जिनके द्वारा जिनके लिए रखा गया था निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, जया जी, जया पांडे और मनोरमा जी कुमार के हिसाब से, कि उनका ये कहना है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनको हम दे सकें निःशुल्क जांच, जितनी महंगी दवाइयाँ या जांच होती है कहीं ना कहीं हम ये अच्छा कर सकते हैं कि हम उनके लिए वो सभी सुविधाएं कम बजट में फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार तो काम अच्छा कर ही रही है, कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी तरफ से उनको क्या दे सकते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। उत्तर प्रदेश में जहां भी छोटी से बड़ी खबर जो भी होती है सबसे पहले हंगामा टाइम्स आप तक पहुँचाता है। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए बताइए आज का जो ये स्वास्थ्य शिविर था इसके बारे में क्या कहेंगी? कैंप चलती रही।